हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कफ। ये टॉपिक हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कफ होता क्या है। तो कफ एक अपनी बॉडी का रिफ्लेक्स सिस्टम होता है जो क्लियर करता है म्यूकस को या किसी फॉरेन मटेरियल को अपने थ्रोट से। क्लियर का मतलब उसको निकाल देता है अपने थ्रोट से। नॉर्मल कंडीशन में कफ अपने लिए बेनिफिशियल होता है बिकॉज ये किसी भी फॉरेन मटेरियल या म्यूकस जो भी अपने को इरिटेट करता है अपने थ्रोट के अंदर उसको निकाल देता है। बट जब कभी कफ की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टीज आती है बार बार कफ करने में, तो उस केस में हमें एक प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आज हम कफ की मेडिकेशन के बारे में या फिर कफ की ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली कफ 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई कफ, जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। दूसरा होता है वेट कफ, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। ड्राई कफ में नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कोई म्यूकस नहीं निकलेगा, बट वेट कप के अंदर एक म्यूकस निकलता है जो हम सब लोग ये जानते हैं। सो ड्राई कप जो होता है इसमें क्या होता है, जो अपनी बॉडी में CNS के अंदर, मैंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर जो कफ सेंटर रहता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से हमें बार बार खांसी या फिर कफ आता है। तो इस केस में हमें जो कफ सेंटर है जो स्टिमुलेट हो गया है उसको डिप्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है अपोइड डेरिवेटिव या अपोइड क्लास की ड्रग, दूसरी है नॉन अपोइड डेरिवेटिव। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 by 1 करके। दूसरा है वेट कफ, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। तो इसमें हमारे गले में म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ही हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है और बार बार कफ होता है म्यूकस को निकालने के लिए। तो इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सपेक्टोरेंट, दूसरी होती है म्यूकोलाइट। अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ कफ या फिर कॉजेज ऑफ कफ। इसका मतलब कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें नॉर्मली कफ होता है। तो पहला कारण है अपर या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें कफ होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम जनरली एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक। सेकंड कारण है स्मोकिंग या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो लोग लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं उनके जो ट्रैक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है वो है पुलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जो लंग्स में इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसकी वजह से भी हमें कफ होता है। तीसरा कारण है अस्थमेटिक कफ। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अस्थमा का एक साइन है जो है ट्रिगर कफिंग, उसकी वजह से भी हमें कफ होता है। चौथा कारण है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स। कई बार अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में रिफ्लेक्स आते हैं, उसकी वजह से भी हमें कफ होता है। लास्ट जो कारण है वो है कोई ड्रग है, कुछ ड्रग है जिनका साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, तो उनकी वजह से भी हमें कफ होता है। जैसे कि कैप्टोप्रिल, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हम पढ़ेंगे ACE इनहिबिटर के अंदर, और कुछ आयोडाइड्स, ये भी हमें कफ करते हैं। अब हम एंटी टूसिव ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कफ सेंटर के बारे में जानते हैं। तो कफ सेंटर अपने ब्रेन का एक ऐसा रीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है कफिंग के कंट्रोल के लिए। ये रीजन मैंडुला ओब्लोगेंटा के अंदर सिचुएटेड रहता है या फिर लोकेटेड रहता है, जो कफ को कंट्रोल करता है। अभी कफ को कैसे कंट्रोल करेगा, तो ये हम इस डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो ये एक कफ सेंटर है जो लोकेटेड है मैंडुला ओब्लोगेंटा के अंदर। यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है वेगस, जो 10 नंबर की क्रेनियल नर्व रहती है। हम जब ANS पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लो ये नर्व यहाँ से निकलती है और ये डिस्ट्रीब्यूट रहती है अपने ट्रेकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर और लंग्स के अंदर। तो ये है एक सेंसरी नर्व है, ये याद रखना।
जब कभी फॉरेन मटेरियल या म्यूकस या कोई इरिटेंट अपने लंग्स के अंदर या फिर अपने ट्रेकिया के अंदर आता है तो ये सेंसरी नर्व इसको सेंस करती है और अपना मैसेज कफ सेंटर में देती है। तब कफ सेंटर रिफ्लेक्स में अपना एक्शन देता है, वो है कफिंग के फॉर्म में, जिससे ये फॉरेन मटेरियल अपने लंग्स से निकल जाता है। तो ये है जनरल मैकेनिज्म, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन निकल जाए। तो एंटी टिश्यू ड्रग टू टाइप से क्लासिफाई की गई है, फर्स्ट है अपोइड्स, दूसरी है नॉन अपोइड्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपोइड्स के अंदर एक होती है ड्रग कोडीन, दूसरी होती है फॉलकोडीन, और नॉन अपोइड्स के अंदर एक ड्रग होती है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमीथोरफेन, दूसरा है नोस्कापीन। जो ये पहली क्लास है जिसको हम अपियोइड बोलते हैं, इसको अपियोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ड्रग एक्शन देती है अपियोइड रिसेप्टर के थ्रू। ये एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ही टाइप है जो अपने ब्रेन में लोकेटेड रहता है। ये तीन टाइप होते हैं मोस्टली अपियोइड रिसेप्टर, म्यू, डेल्टा एंड कप्पा। जब हम अलग से अपियोइड पढ़ेंगे, अपियोइड में कौन कौन सी प्लांट डेरिवेटिव ड्रग्स आती है, कौन सी सिंथेटिक है, कौन सी सेमी सिंथेटिक ड्रग है और कौन से इसके एंटागोनाइज है, तब जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। अभी आप ये जान लो अपियोइड्स एक क्लास है जो म्यू रिसेप्टर या फिर अपियोइड रिसेप्टर पे अपना एक्शन देती है, जो मोस्टली यूज की जाती है ड्राई कफ और अदर भी इसकी यूज है, जैसे एज ए पेन किलर में भी यूज की जाती है। अब हम ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपियोइड्स की पहली ड्रग है जिसका नाम है कोडीन, इसको हम मिथाइल मॉर्फिन बोलते हैं। इसको मिथाइल मॉर्फिन इसलिए बोलते हैं, अगर आप मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो मॉर्फिन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 और 6 पोजीशन पे OH ग्रुप रहता है, पर इन केस ऑफ कोडीन जो 3 पोजीशन का OH ग्रुप रहता है उसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, इसीलिए इसको मिथाइल मॉर्फिन बोलते हैं, बिकॉज ये मॉर्फिन से ही सिंथेसाइज होती है, इसीलिए इसको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ये पोटेंट कफ सप्रेसेंट है, इसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, बट अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, कन्वल्जन आ जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है, ये कोडीन के साइड इफेक्ट है ओवरडोज हो जाती है तब। अब हम फॉलकोडीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चरली रिलेटिव है कोडीन के, इसमें इथाइल ग्रुप रहता है, ये भी मोर पोटेंट रहती है, लॉन्ग एक्टिंग रहती है, बेटर टॉलरेट रहती है देन कोडीन, लेस साइड इफेक्ट रहता है देन कोडीन। तो इसमें आप यही याद रखना कि ये लॉन्ग एक्टिंग रहती है कोडीन के कंपेयर में। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मॉर्फिन है ये भी हम यूज कर सकते हैं एज ए कफ सप्रेशन या ड्राई कफ में हम यूज कर सकते हैं, बट हम इसको यूज इसलिए नहीं करते हैं कि मॉर्फिन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और मॉर्फिन को जब हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज लेते हैं तब हमें एडिक्शन भी हो जाता है, इसीलिए हम मॉर्फिन को नहीं यूज करते ड्राई कप के अंदर। अब हम नॉन अपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो पहली ड्रग है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमीथोरफेन, ये एक मिथाइल एस्टर है डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ लिवेनोफेनोल का। तो आप ये लाइन याद कर लेना, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है डेक्स्ट्रोमीथोरफेन किसका मिथाइल एस्टर है, तो आप ये याद रख लेना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये NMD रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अब ये NMD रिसेप्टर, ये सब हम जनरल फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, कितने टाइप के रिसेप्टर रहते हैं, उनके क्या पाथवे रहते हैं, वो कैसे एक्शन देते हैं, तब हम वहाँ NMD रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। डेक्स्ट्रोमीथोरफेन का एडवांटेज ये है कि ये एडिक्शन कोज नहीं करती, ये नॉन एनाल्जेसिक रहती है। जो अपोइड्स रहती है वो एनाल्जेसिक होती है, बट ये नॉन एनाल्जेसिक है, और ये लीस कॉन्स्टिपेशन करती है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। डॉक्टर ज़्यादातर इसी को ही लिखते हैं आजकल, यही यूज की जाती है मार्केट में। इसका एडवर्स इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, जो यूनिवर्सल हम लिखते ही हैं एडवर्स इफेक्ट वही है। दूसरी जगह नोस्कापीन, ये भी नेचुरल ओक्योरिंग एल्कोलॉइड्स है जो बेंजो आइसोक्यूनोलिन ग्रुप डेरिवेटिव होती है, ये भी नॉन एनाल्जेसिक रहती है। ये निकलती तो प्लांट जो ओपियम होता उसी से है, बट ये नॉन ओपियोइड्स में है, इसी को हम नार्कोटिन भी बोलते हैं, नार्कोटिन, तो आप ये नाम याद रखना।
बस इसके बारे में इतना ही जानना है। इसके बाद एक और ड्रग है जिसका नाम है पाइपाजेथेट। तो ये आपको नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना, ये फिनोथायोजिन डेरिवेटिव है। तो ये फिनोथायोजिन एक रिंग सिस्टम रहता है, जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ेंगे वहाँ पे एक क्लास है फिनोथायोजिन डेरिवेटिव, तो वहाँ से आपको इस रिंग के बारे में मैं बताऊँगा। अभी आप बस इतना ही पढ़ो। आज हमने कप के बारे में पढ़ा। तो कप दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई कप, दूसरा होता है वेट कप। ड्राई कप को नॉन प्रोडक्टिव बोलते हैं और वेट कप को प्रोडक्टिव बोलते हैं। जो ड्राई कप होता है इसमें दो क्लास है, फर्स्ट है अपोइड, दूसरी है नॉन अपोइड। तो आज हमने ये वाला क्लास सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम वेट कप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो टाइप की ड्रग यूज होती है, तो एक है एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा है म्यूकोलाइटिक। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम वेट कप तो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं कुछ MCQ क्वेश्चंस डालूँगा जो प्रीवियस GPAT एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप उनके आंसर देना और बताना आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।